विजिटिंग कार्ड का हमारे लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक अच्छा और बेहतरीन विजिटिंग कार्ड वो होता है जो देखने में खूबसूरत और बेहतरीन लगे। सुभाष, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरा वीडियो जो है बिना कहीं रुके डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाया करेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है अच्छा से अच्छा और ब्यूटीफुल बेहतरीन जो है विजिटिंग कार्ड आप कैसे तैयार कर सकते हैं खुद से ही। अगर आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, या आपका कोई शॉप है, दुकान है, या आप जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके पास जो है विजिटिंग कार्ड होना ही चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप खुद से ही विजिटिंग कार्ड कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से ही। अगर आप यही काम करवाने के लिए दुकान में जाइएगा या साइबर कैफे में जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपसे अच्छी खासी चार्ज कर देगा और वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप खुद से ही विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना कहीं जाए, बिना किसी को पैसा दिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, आप खुद से ही मोबाइल से ही फुल HD में, वो भी फ्री में, एक से एक डिजाइन में आप विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखना होगा तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे किस तरीके से मोबाइल से ही फ्री में HD क्वालिटी का आप कैसे विजिटिंग कार्ड कैसे आप खुद से ही बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप जो है डिजाइन करना चाहते हैं बिजनेस कार्ड तो सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके यहाँ पर देख रहे हैं बिजनेस कार्ड मेकर, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इस बारे में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ढेर सारा यहाँ पर लैंग्वेज है तो आप जो भी लैंग्वेज में जो है आप कार्ड बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी का भी ऑप्शन है तो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ इंग्लिश वाले पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट वाले पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको आ चुका है बिजनेस कार्ड मेकर, यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अपना नाम डालिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे जॉब टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ कंपनी का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 में अपना एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे अपना आपका वेबसाइट है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ कंपनी का टैगलाइन डाल दीजिए। चलिए हम यहाँ से फटाफट के डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए अपलोड योर लोगो, तो अपना लोगो बना रखे हैं या आपका कोई फोटो वगैरह है तो आप जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं ये आपको बाद में करके दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे जो है पूरा डिटेल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पूरा डिटेल डाल चुका हूँ। यहाँ अपलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आप फोटो या कोई लोगो बना रखे हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे जो आपको कहाँ पर रख रखे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं गैलरी वाले पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जो भी फोटो है या जो भी लोगो बना रखा हूँ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ क्रॉप वाले पर क्लिक करके आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्रॉप का ऑप्शन आ चुका है, तो आप जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से इस तरीके से जो है फोटो के जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फोटो लगे कि सही हो जाए जहाँ तो राइट वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे राइट वाले पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए कि आपका फोटो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ चुका है। अब जो है आपके यहाँ पर सारा डिटेल भी आ चुका है, फोटो भी आ चुका है, तो यहाँ सेव वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। अब सेव वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑल है, जितने कार्ड है आपको जो भी कार्ड है आपको जो है एक बार कार्ड पर क्लिक करना है तो वो जो है इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लेटेस्ट कार्ड है, यहाँ पर देखिए फर्दर कार्ड है, यहाँ पर प्रीमियम कार्ड है, तो जो भी आपको कार्ड पसंद है उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर एक कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको जो भी कार्ड पसंद है उसको आप सिलेक्ट
कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इस वाले पे क्लिक करते हैं, ये वाला कार्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं जो है यहाँ पर कार्ड आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, ईमेल आईडी आ चुका है, यहाँ पे आपका वेबसाइट है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर आपका एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे बैक सर्वर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पीछे साइड में जो है आपका फ़ोटो और यहाँ पे जो भी कंपनी है वो आपका आ चुका है। यहाँ पे टैग लाइन भी डाल सकते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और आप जो भी टैग लाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एडिट टेक्स्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पे टैग लाइन डाल देता हूँ इस तरीके से राजा, यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई हो चुका है, इसको जो है आप बड़ा छोटा इस तरीके से कर सकते हैं। कोई कलर करना है कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा और जो भी कलर आप करना चाहते हैं इस तरीके से कलर जो है आपको भर भर के मिल जाता है, तो वो सारा कलर आप जो है इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पसंद है इस तरीके से जो है आप चूज कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर जो है येल्लो डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए येल्लो वाला यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आपको ढेर सारा आयकर मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है, चलिए मैं यहाँ फ्रंट वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो है आप जो है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप इसको कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर आपको ढेर सारा आ जाएगा, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से आप कलर जो है कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ये जो है ये कलर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है इंजीनियर राजा, तो अगर आपको इसको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। जो भी कलर करना है यहाँ कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कलर वाले पे कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे सिविल इंजीनियर है तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप इसको कलर कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसका कलर दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कलर डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर डाल दिया। यहाँ पे जो है आपको अगर मोबाइल नंबर दूसरा देना चाहते हैं तो यहाँ एडिट वाले पे जाके आप दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ अप्लाई वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो यही जो है आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह आ जाता है। यहाँ पे जो है आप 15-20-25 मिनट या आधा घंटा टाइम देते हैं तो यहाँ पे जितने टूल्स है आप उस सारे टूल्स को बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइकन है, आइकन वाले पे क्लिक कीजिएगा। आइकन वाले पे क्लिक करते जो भी आप आइकन रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको भर भर के आइकन मिल जाता है। जो भी आइकन रखना है इस तरीके से जो है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से कलर भी दे सकते हैं, कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये जो है आपका यहाँ पे कलर हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेफ है, सेफ वाले पे क्लिक कीजिएगा और जो भी आप सेफ रखना चाहते हैं तो इस तरीके से सेफ वाले को क्लिक कीजिएगा, सेफ आ जाएगा। अब सेफ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कलर दे दीजिए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं इस तरीके से दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और आपको यहाँ पे लोगोस आ जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ढेर सारा आ जाता है, जो भी आपको पसंद है इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इसको मिनिमाइज करके आप जहाँ भी रखना चाहते हैं आप जो है इस तरीके से सजा सकते हैं। यहाँ देखिए आ चुका है, इमेज है। अगर आप कुछ इमेज डालना चाहते हैं, फोटो लोगो, तो यहाँ इमेज वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका गैलरी आ जाएगा। गैलरी में से जो है आपको क्या करना है, आपको कोई फोटो या आप कोई लोगो बना रखे हैं या आपका चैनल का हो या वैसे ही कोई लोगो या फोटो हो, तो इस तरीके से गैलरी वाले पे क्लिक करके अपना फोटो लोगो इसमें जो है आप चूज करके आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रखा हूँ अपना फोटो है, तो मैं यहाँ पे फोटो वाले पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से अपना फोटो डाल देता हूँ, तो मैं फोटो वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पर फोटो जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है। अब क्रॉप ही कर सकते हैं या मैं जिसको डायरेक्ट इसको ओके कर देता हूँ, तो ओके करने के बाद जो है आपको यहाँ पर फोटो जो है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे फोटो आ जाएगा तो फोटो को इस तरीके से आपको क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है इस तरीके से, और जहाँ भी रखना चाहते हैं इस तरीके से जो है आपको सजा देना है, इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है। या क्या करना है, इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है, ये छोटा कर दीजिए, इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं और जहाँ भी रखना चाहते हैं आप इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए मैं यहीं डाल देता हूँ। अगर आपको नहीं रखना है तो रिलीट वाले पे क्लिक करके आप इसको भी हटा भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ से जो है इसको रख देते हैं इस तरीके से। या आपको ये पसंद नहीं है तो रिलीट वाले पे क्लिक कीजिएगा, हटा दीजिएगा। फिर से क्या करना है, इमेज वाले पे जाना है और जो भी आपको रखना है इस तरीके से जो है गैलरी वाले को ओपन करना है और जो भी फोटो फाइल फोटो अगर आपको रखना है तो वो जो है बहुत ही ईजी तरीके से आप रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं फोटो वाले पर मैं इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रॉप वाले में क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से जितना भी रखना चाहते हैं ना, इस तरीके से ओरिजिनल साइज में भी रख सकते हैं या जितना भी रखना चाहते हैं। रेड वाले पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको कट होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ चुका है फोटो, ठीक है। फोटो को क्या करना है, इस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं और जहाँ भी रखना चाहते हैं इस तरीके से फोटो को जो है आप रख सकते हैं। तो कार्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं डिलीट करके हटा देता हूँ।
फिर से क्या करना है इमेज वाले को जान, जहाँ भी फोटो या लोगो जो भी आप रख रखे हैं इस तरीके से आपको क्या करना है, फोटो लोगो जो है आपको इसमें इंसर्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ से फोटो डाल देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इस फोटो वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं ओके वाले पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ और मैं इस बार क्या करूँगा, मैं इसको जो है यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैं इस तरीके से छोटा बड़ा करके आप यहाँ पर कहीं भी इसको जो है एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको डिलीट करके हटाइए, फिर से दूसरा लाइए, फिर से इमेज वाले पर जाइए। इमेज वाले पर जाने के बाद जो है यहाँ पर आप चूज कर लीजिए गैलरी, गैलरी के बाद मैं दूसरा फोटो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से जो है गाइज आप बार बार कोई भी फोटो, कोई भी लोगो, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं न्यू अपडेट वाले पे जाऊँगा, यहाँ पर न्यू अपडेट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लोगो वाले पे मैं क्लिक करूँगा, ओके वाले पे, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से इसको या यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर नीचे आपको टेम्पलेट मिल जाता है, यहाँ पर टेम्पलेट आपको भर भर के मिल जाता है, जो भी टेम्पलेट लेना है आपको इसी तरीके से जो है आपको ले लेना है। यहाँ पर आपको व्यू करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी बनाया है वो आपको यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है आपका जो भी कार्ड बनाया है यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड वाले पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप देखिए आप जो है डाउनलोड बैक साइड, यहाँ पर डाउनलोड फ्रंट साइड, यहाँ आपका फ्रंट साइड आ गया, यहाँ पर आपका बैक साइड आ गया, यहाँ पर PDF है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड फ्रंट साइड वाले पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही यहाँ पे टिक देना है, यहाँ व्यू डाउनलोड है, डाउनलोड व्यू डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है आप जो है डाउनलोड अब जो है रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड होके यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से जो गाइज आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से डाउनलोड बैक साइड है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका डाउनलोड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करके आप जो अपना जो भी डाउनलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना जो डाउनलोड मैं किया हूँ वो सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है। सो गाइज इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप अच्छा से अच्छा जो है आप कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, आपको भर भर के कार्ड मिल जाता है, ठीक है। आप इसमें आधा घंटा, एक घंटा या 10-15 मिनट, अगर आपको जल्दी है तो यहाँ पे 15-20 मिनट टाइम दीजिएगा और आप जो है अच्छी तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है इसमें, तो जो भी आपको डिजाइन करना है बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से देखिए आपका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर देखिए आपका लाल हो गया, इस तरीके से आपको बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए व्हाइट और ब्लैक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे जो है येलो रख देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी कलर पसंद है आप इस तरीके से देखिए ग्रीन आ गया। तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैक साइड, इस पर क्लिक कीजिए, आपका बैक साइड आ गया। यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड पे क्लिक कीजिए, फ्रंट साइड आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो है 15-20 मिनट टाइम देते हैं, तो यहाँ पे जो है आप अच्छी तरीके से जो है एक से एक जो है आप कार्ड डिजाइन कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिए होंगे किस तरीके से फ्री में HD क्वालिटी का आप एक से एक डिजाइन में विजिटिंग कार्ड कैसे आप खुद से तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।